ईयरिंग्स भी हैं और काफ़ी टाइप की मेरे पास ज्वेलरी जो है उसका जो काफ़ी सारी ज्वेलरी है उसका कलेक्शन मेरे पास। जो बेल आइकन है गाइस उसको भी आप प्रेस कर लेना क्योंकि उसी के जरिए आपको मिलने वाली है मेरी अपकमिंग सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन। सो अगर आप मुझे वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं डिंपल भारद्वाज फिर आ गई हूँ आपके साथ और इस बार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीशो ज्वेलरी हॉल। आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टफ नहीं है, 6-7 आइटम्स हैं, तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपके लिए एक ह्यूज ज्वेलरी हॉल बनाने वाली थी जिसके अंदर मेरा पूरा कलेक्शन होगा ज्वेलरी का। लेकिन उससे पहले जब मैंने ज्वेलरी हॉल बनाने से पहले जब मैं देख रही थी अपनी सभी ज्वेलरीज को, तो मैंने देखा काफ़ी सारा स्टफ जो है मैंने मीशो से ऑर्डर किया हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक सेपरेट मीशो हॉल ज्वेलरी के लिए बनाया जाए, तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाई है। गाइज अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना क्योंकि उसी के जरिए आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलने वाली है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा हैंडल है anchor_dimpleBhardwaj। इंस्टाग्राम पर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ और काफ़ी ज़्यादा फन वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ, रील्स काफ़ी अच्छी लोगों को पसंद आती हैं मैं बनाती हूँ, तो अगर आप चाहते हैं मुझे फॉलो करना तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने एक ईयरिंग सेट मंगाया था जो मैंने मीशो से मंगाया था। गाइज ये आपने पहले भी मेरे चैनल पर देखा होगा, आप देख सकते हैं ये रेड कलर की ईयरिंग्स हैं। क्लोजअप्स मैं इसमें डाल दूंगी और सभी चीज़ों के प्राइस और उसके जो कोड्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी ताकि आप वहाँ से देख सकें कि कौन सा जो ज्वेलरी पीस है मैंने कितने का लिया है और कौन से कोड के ज़रिए मैंने लिया है। मीशो पे कोड ही होते हैं, कोई लिंक नहीं होता, इसलिए मैं आपको कोड नीचे मेंशन करूँगी और उसके जैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट्स भी आपको आसपास नज़र आ जाएंगे, अगर आप उनमें से कुछ लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं इजीली। तो पहला जो ईयरिंग सेट है वो यही है रेड कलर का, किसी भी चीज़ से आप इजीली इसको वेयर कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही स्टनिंग लगते हैं। मैंने इनको एक या दो बार वेयर किया है लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने इसको वेयर ही नहीं किया था क्योंकि ये एक सेपरेट बॉक्स में रखे हुए थे, अब जाके मुझे ये मिले हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आपके साथ शेयर किया जाए और फटाफट से इसका एक जो लुक है वो आपके सामने लेकर आऊंगी। नेक्स्ट किसी भी वीडियो के अंदर अगर मैं कोई लुक क्रिएट करती हूँ तो ये वाली इयरिंग्स आप मेरे पास पहने हुए देख सकते हैं। गाइस इस इयरिंग्स के अंदर आप नीचे देख सकते हैं रेड कलर के इस तरह से मोती हैं जो काफी सुंदर लगते हैं और ये मेरे पास 3 लेयर के अंदर है, 4 लेयर और 5 लेयर के अंदर भी आई थिंक सो ये आते हैं, आप देख सकते हैं और ला सकते हैं। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ख़राब क्वालिटी के नहीं है, जब से मैंने इनको लिया इसका कलर भी एज इट इज़ है, निकला नहीं है, वरना रखे रखे भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो जो ब्लैक हो जाती है उसका कलर फेड आउट हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। और वेट के अंदर अगर मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा हैवी इन वेट नहीं है, नॉर्मल वेट है, आप वेयर कर सकती हो ईजीली। सेकेंड जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है एक गाइस चेन, और इससे मैं आपको पता ही है इस टाइप की वेस्टर्न चेन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम पर आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। इसका ये एक इसका इंस्टाग्राम स्टोर भी है गाइस, लेकिन ये मैंने मीशो से ऑर्डर की थी और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, गोल्डन कलर जो इसके ऊपर हुआ है वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने इसको कई बार वेयर कर लिया है लेकिन इसका जो कलर है अभी तक गया नहीं है, फेड आउट नहीं हुआ है। और क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर ये चेन मुझे रिसीव हुई है और इसी ब्रांड से मैं और भी चेन्स लेना पसंद करूँगी। आप देख सकते हो अगर आप इसको किसी ब्लैक बेसिक ब्लैक या फिर किसी बेसिक टी शर्ट के साथ अगर वेयर करते हो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और सुंदर लगती है, ये मुझे बहुत पसंद है और अच्छी क्वालिटी के अंदर रिसीव हुई है, प्राइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पता चल ही जाएगा। गाइज नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है गाइज या फिर या कहें कि नेक्स्ट जो नेक पीस है गाइज वो है ये पिंक कलर का, मैं खोल के दिखाती हूँ आपको ये गाइस बहुत ज़्यादा प्राइस ही नहीं है, आई गेस ये 125 रुपीज़ तक कही थी, यानी 125 रुपये के अंदर ही शायद ये था और एग्जैक्ट प्राइस मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी, आप देख लेना कितने का था। तो ये आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ऑक्सीडाइज के अंदर है और इधर पर्ल्स के जो कलर्स हैं ना गाइस वो चेंज हो जाते हैं, आपको जिस कलर का चाहिए आप ले सकते हो, तो बहुत ही सुंदर लगता है। मैं अभी आपको ऐसे लगा कर दिखा देती हूँ और बाकी क्लोजअप मैं यहाँ पर डाल दूंगी कि कौन सी चीज़ कैसी लगने वाली है। गाइस आपको इसको किसी भी साड़ी के साथ इजीली वेयर कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा
हैवी नहीं है कि आपको पहनने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा अरे मेरा लुक कहीं बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए, ये नेक के अंदर कहीं बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत ही प्यारा है और कभी भी कहीं भी इसको पहनकर आप अपना जो लुक है वो इन्हेंस कर सकते हैं। इसके साथ ईयरिंग्स भी आते हैं जो कि बहुत लाइट इन वेट है और काफ़ी यूज़फुल है, मतलब अगर आप चाहो तो खाली ईयरिंग्स भी पहन सकते हैं किसी भी सूट या फिर साड़ी के साथ मैच करके, तो इसके ईयरिंग्स मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगे हैं। बड़ा पहनना चाहते तो आप कुछ बड़ा इसके साथ वेयर कर सकते हो, लेकिन इसके साथ ईयरिंग्स इसके खुद से आते ही हैं। गाइज जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एक और ईयरिंग सेट जो मैंने लिया है, ब्रांड कॉल बेला मॉरिस, और इसके जो ईयरिंग्स हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ईयरिंग्स हैं, गोल्डन कलर के ईयरिंग्स हैं और नीचे इस तरह से जो वाइट कलर के जो मोती हैं वो दिए हैं, जो इस ईयरिंग्स की जो खूबसूरती है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कैन यू सी, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। आपने अगर कोई लहंगा वेयर किया है और उसके साथ आप सिर्फ और सिर्फ ईयरिंग्स पहनना चाहते हैं तो आप इजीली इनको वेयर कर सकते हैं और ये ज़्यादातर हर एक जो ड्रेस है ना उसके साथ चला जाएगा, क्योंकि आजकल जो ड्रेस के ऊपर वर्क चल रहा है वो गोल्डन कलर में ही चल रहा है, तो उसके साथ आप इसको ईजिली पेयर कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर है। ये क्लोजअप डाल दूंगी गाइस। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो फिनिशिंग में थोड़ा 19-20 का मुझे इसका फ़र्क लगता है और वेट की अगर बात करें तो थोड़े से हैवी इन वेट हैं, मतलब आपको अगर आप ज़्यादा हैवी नहीं पहन सकते हो तो मे बी आपके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाए, लेकिन अगर आप हैवी पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आपको ज़्यादा हैवी लगेंगे नहीं। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी है, मतलब डिसेंट क्वालिटी कह सकते हैं, टॉप नॉच नहीं। ब्रांड कॉल बेला मॉरिस। नेक्स्ट जो पीस है गाइस वो एक नेक पीस है, रेड इन कलर में है। मैंने थोड़ा सा वैरायटी बनाने की कोशिश की है, आप देख रहे हो मजेंटा आपने भी देखा है, गोल्डन देखा है, रेड देखा था वो इयररिंग्स में था, लेकिन अब मैं आपको नेक पीस दिखा रही हूँ। ये रेड कलर का नेक पीस है जिसमें साइड में मोती वर्क दिया है, बीच में इस तरह से आप देख सकते हो 3 डिज़ाइंस हैं और नीचे आप देख सकते हो 1 वाइट कलर का पर्ल दिया है। पर्ल डिज़ाइन वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है अपने आप में। क्वालिटी अच्छी है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था जहाँ तक मेरे को याद है, आई गेस ये 200 के अराउंड ही था। इसके साथ आपको गाइज ईयरिंग्स भी मिलते हैं, ईयरिंग्स भी काफ़ी प्यारे हैं और बड़े हैं, पहनने के बाद बड़े अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहो तो इसको सिर्फ और सिर्फ ईयरिंग्स भी पहन सकते हो, किसी सूट के साथ वेयर कर सकते हो और किसी भी तरह से आप अपनी जो लुक है वो इसके साथ क्रिएट कर सकते हो। गाइस बड़े ही सुंदर है, ग्रीन कलर की साड़ी के साथ, गोल्डन कलर की साड़ी के साथ, रेड कलर की साड़ी के साथ आप इसको ईजिली वेयर कर सकते हो और बहुत ही सुंदर लगने वाला है। गाइस क्वालिटी अच्छी है, अच्छी है और अच्छी है, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि क्वालिटी अच्छी है। नेक्स्ट जो नेक पीस है गाइस वो है ब्रांड कॉल राजीज, और इससे मैंने मंगाया है एक इस तरह से टेंपल ज्वेलरी। आप देख सकते हैं टेंपल ज्वेलरी इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आप सभी को पता है टेंपल ज्वेलरी बहुत ज़्यादा सब लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी अपने लिए एक मंगा लूँ। हालांकि इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मेरे को अभी तक पहनने का मौका ही नहीं मिला, यार कोई शादी करा लो, मुझे अपनी शादी में बुला लो ताकि मैं सब चीज़ें पहन सकूँ आपकी शादी में। आई डोंट नो व्हाई मेरी शादी के बाद सबने शादी करनी छोड़ दिया, ऐसा लगता है सबसे बड़ी गलती मैंने करी है शादी करके। तो आप देख सकते हो ये है टेम्पल ज्वेलरी, लक्ष्मी माता इसमें बनी है और दिवाली जैसे अच्छे ओकेजन पर आप इसको पहनेंगे तो बहुत ही प्यारे लगेंगे। नीचे आप देख सकते हो कि बड़े प्यारे वाइट कलर के मोती इसमें लगे हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इसके साथ जो ईयरिंग्स हैं गाइस थोड़े हैवी वेट हैं, गाइस मैं आपको बता रही हूँ हैवी इन वेट हैं, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ईयरिंग्स की जो पीछे डंडी है ना जो हमारे ईयर के होल के अंदर जाती है गाइस वो थोड़ी सी मोटी है। अगर आपके ईयर्स के होल अच्छे खासे बड़े हैं तो आप इजीली इसको वेयर कर सकते हो, वरना थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन क्वालिटी अच्छी है और फिनिशिंग भी काफ़ी प्यारी दी हुई है इसकी, हैवी है ईयर के अंदर पहनने के लिए। प्राइस और कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। बस यही चीज़ें थी जो मैंने मीशो से ऑर्डर की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये था मीशो ज्वेलरी हॉल। अगर आपको लगता है कि आप भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मीशो से लेना चाहते थे और अभी डर रहे हो आप उसको लेने से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप कौन सी ज्वेलरी लेना चाहते हैं, उसका कोड मुझे नीचे मेंशन कर देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर आप मुझे बता देना, ताकि वो सारी चीज़ें मैं परचेज करके आपके लिए उसका एक रिव्यू हॉल लेकर आ सकूँ। और बस गाइज इस वीडियो में इतना ही, ऐसी और वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है anchor_dimpleBharadwaj। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय।